मेरा मूड डिस्टर्ब हो रहा है, नौकरी मन नहीं लग रहा, यहाँ नौकरी नहीं करना, मेरे को स्टाफ बारी टॉर्चर वॉर्चर से करती है, क्या ऐसे चक्कर करता रहता, मैं नौकरी नहीं कर पाया चौकी पर, क्या कमी है टॉर्चर का कारण बताओ कभी। विधानसभा चुनाव में पहले पोस्टिंग हुई थी, पहले सदर थाने में था, पहले 5-6 साल तेरे लोग आ रहा वहाँ से यहाँ पर धीरेन्द्र सरा थे टी आई साहब, उनके समय यहाँ पदस्थ हो गया था। तो कैसे हुई घटना, इसके बारे में विस्तार से बताएं, क्या डिप्रेशन था या क्या? कुछ नहीं था, वो इस धीरेन्द्र मिश्रा जी थे चौकी पर, बारी चौकी पर रख गए थे, वहाँ चौकी भी नौकरी करते रहे, दूसरे टी आई साहब आए उन्होंने वहाँ से हटा दिए, तो उनका मन डिस्टर्ब सा हो गया था, नौकरी मन नहीं लग रहा था, तो मेरे से 2-3 दिन पहले चर्चा की, फिर कल भी मैंने कही तो तुम बढ़िया छुट्टी लिया, और 5 दिन की छुट्टी लगे पहले दिल्ली सर की नहीं लगी कटी जा, मैंने खुद बात करी 2 दफ़े मेरे साहब, वो ड्यूटी व्यूटी मर लेने इनको बाहर ड्यूटी लगा रही थी कहीं उन्होंने पकड़ने के लिए, तो बाहर नहीं गई ड्यूटी, तो इन्होंने पैरा लगा दिया उनका 9 से 12 पैरा किया, रात में बात रही तो उस वक्त 6 से 9 में पैरे में आए सारे लोग, बाद में तो नहीं देखा, मैं गया फिर थाने ग्राउंड में बैठी थी, बाद गोली मार ली। तो नौकरी का ही डिप्रेशन था कि और कोई ऐसे? अब जी इसके बारे में ज़्यादा मेरे को जानकारी थी, मैं रहता था यानी उनके पास आता जाती, कह रहे बोले मेरा मूड डिस्टर्ब हो रहा है, नौकरी मन नहीं लग रहा, यहाँ नौकरी नहीं करना, मेरे को स्टाफ बारी टॉर्चर वॉर्चर से करती है, क्या ऐसे चक्कर करता रहता, मैं नौकरी नहीं कर पाया चौकी पर, क्या कमी है टॉर्चर का कारण बताओ कभी, क्या? कुछ नहीं है, मैं नौकरी या नहीं कर पाया चौकी पे बस, और क्या। क्या कितने कब आपकी बात कब हुई थी ये बात? तो करीब 7-8 दिन से हो रही थी बात, उससे कल मैंने छुट्टी की बोला टी साहब, मैंने खुद बात किया 2-4 बजे करीबन, इसी बार छुट्टी छोड़ दो उसको, क्या से ड्यूटी मत लो, मैं इसको ग्वाली ले जाऊँगा मानवारी डॉक्टर साहब को दिखा लाऊँगा, ऐसी रखो हाजिरी में रख लो, वैसे जिनने बिल्कुल मैं आऊँगा तो मैं इसको ले जाऊँगा कल, बात हो टी साहब बोले ड्यूटी तो करना पड़ेगी जो ऐसे, तो मैंने वो पैरा लगा दिया, तो स्पीकर लगा दिया तो पैरा करा बस, शाम को 9 से 12 पैरा किया, वापस पहुँच गए थे कमरा बिटिया के पास, सुबह 6 बजे में फोन लगाया क्या बोले पैरे को निकले, फिर मेरे की बात नहीं। कितने बच्चे हैं? उनका एक बिटिया 4 साल की यही पढ़ती है, और एक 4 महीने का बच्चा बेटा अभी हुआ था नवम्बर में। शादी कब हुई थी? शादी 2017 में हुई थी, शादी 2013 आगे बढ़ शेड्यूल में भर्ती थे यहाँ पहले, वहाँ से ट्रांसफर करा लिया था दतिया, उन्हें देखा जाने दतिया ट्रांसफर कराने के बाद की पोस्टिंग हो गई थी थर्ड थाने में, 5 साल वहाँ रहे, 6 साल इसके बाद चुनाव पहले यहाँ पोस्टिंग हुई थी, यहाँ मूल निवासी कहाँ के रहने? मूल निवासी वैसे भद्रवाड़ी अजयगढ़ गाँव पड़ता है, श्यामपुर पड़ता है, भद्रवाड़ी के बगल में श्यामपुर गाँव है, वहाँ के थे हाल निवासी का जासूर थाने के सामने, वो कौन सा बिहार है उसमें मकान बना, पिताजी उनके वहाँ रहते थे, 2 भाई थे, ये बड़ी थी वो छोटा था, देवनगर में इनका 4-5 कमरे बने थे, वहाँ पिताजी रहते थे, भाई रहता, माता रहती। कि अभी तक जितने भी तथ्य आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि आरक्षक जो संतरी पहरे पे था, गोली लगने से उसकी डेथ हो गई है, ये सभी कारणों को हमने अपनी जाँच में लिया हुआ है और उसकी विस्तृत गहनता से उसकी जांच की जाएगी कि क्या कारण है, कि क्या परिस्थितियां रही, किस प्रकार से ये हुआ, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। अभी प्रारंभिक तौर पर उसका जो FSL है उससे उसका जांच करा दी गई है, PM हो रहा है, डॉक्टरों से भी उसमें क्वेरी करके क्या हुआ, किस प्रकार हुआ होगा, ये किस प्रकार की घटना घटित हुई है, जब पूरे तथ्य आ जाएंगे तभी इस बारे में कोई भी आपको स्पष्टता बताया जा सकता है। परिजनों का कहना है कि डिप्रेशन में था, सर्विस को लेकर तो वो कुछ कारण अगर निकल गया है। परिजनों का कहना है कि जैसे डिप्रेशन में था, लेकिन आपने जैसे अन्य लोगों से पूछा, स्टाफ से भी पूछा, किसी ने भी इस प्रकार का ये नहीं बताया कि किस प्रकार से अगर डिप्रेशन में था तो क्या कारण है, उनकी भी हम सभी जांच करेंगे, विस्तृत पूरी उसमें जांच की जाएगी और जो भी तथ्य निकल के आएंगे आप लोगों को अवगत करा देता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।